नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा? मजा में? आज आप शीखीशू प्रवाही अने वायु अवस्था। तो के वधु समय न बगाड़ता चालो शुरू करिए। हूँ छू आपनो दोस्त लालजी अने अमारी यूट्यूब चैनल सेफ्रॉन एज्युकेशन में हूँ स्वागत करू छू। हवे समझिए प्रवाही अवस्था। तो के चालो एक प्रवृत्ति करिए। तो के तमे तेल दूध पानी आ त्रण वस्तु लियो। हवे तेल दूध पानी तमने बधाने खबर ज छे के प्रवाही छे। हवे आपणे त्रण जुदा जुदा पात्रों लईए, एक बीकर लईए, एक ग्लास लईए अने एक थाळी लईए। हवे वारफरती त्रणेयने तेल दूध पानी ने पहेला बीकरमां नाखीए, पछी ग्लासमां नाखीए अने थाळीमां नाखीए। तो के आ जुदा जुदा जे द्रव्यो छे एने जुदा जुदा आकारना जे पात्रोमां नाखीए तो शुं थाय छे निरीक्षण करिए। तो के जुदा जुदा आकारना पात्र में भरी निरीक्षण करता शूँ थाय? तो के जे पात्र में नाखीए छीए एवो आकार धारण करे से। बीकर में नाखीए तो बीकर जेवो, ग्लास में नाखीए तो ग्लास जेवो, अने थाळी में नाखता ए थाळी जेवो आकार धारण करे से। अने आ उपरांत हवे चालो मित्रों एने जमीन पर नाखीए, एटले के जमीन पर ढोळी दईए। तो के सपाटी पर शूँ थाय? फैलाई जाए। एटले के जमीन पर नाखीए तो ए वहन पाममां मांडे छे, एटले के वहनशीलतानो गुणधर्म धरावे छे। शूँ आकार समान रहेशे विद्यार्थी मित्रों? तो के ना, आकार समान रहेतो नथी। आ उपरथी, आ प्रवृत्ति उपरथी आपणे प्रवाही अवस्थाना भौतिक गुणधर्मो तारवी शकीए। तो के भाई प्रवाही अवस्थाना भौतिक गुणधर्मो, तो के प्रवाही अवस्था में चौक्कस कद होय छे परंतु आकार होतो नथी। प्रवाही वहनशीलतानो गुणधर्म धरावे छे। प्रवाही सखत नथी, प्रवाही सखत होतो नथी। तमे घन कोईपण पदार्थ होय तो एने दबी शकता नथी कारण के सखत छे, परंतु प्रवाही केवा होय? तरल होय छे। प्रवाही अवस्था में कणों वच्चे घन करता केवुं होय? तो के ओछू आकर्षण बल होय छे। तो विद्यार्थी मित्रों आ थया प्रवाही अवस्थाना भौतिक गुणधर्मो। विद्यार्थी मित्रों हवे जोईए वायु अवस्था अने एक प्रवृत्ति करिए। तो विद्यार्थी मित्रों तमे बधाए मेळामां तो गया थशो, अने मेळामां गया हशो तो तमे एक फुग्गो भरवावाळा व्यक्तिने जोयो ज हशे के जे शूँ करे, नानो एवो सिलिंडर हशे अने एमांथी ए फुग्गा भरतो हशे। हवे तमने बधाने खबर छे सिलिंडर केटलुं नानुं होय, छतां पण फुग्गा तो केटलाय बधा भराय छे। तमने विद्यार्थी मित्रों खबर छे आ फुग्गा हवामां केम उड़ी शके छे? आपणे हाथे भरीए छीए ए उड़ता नथी, ते खाली जाण खातर ज छे के फुग्गामां छे ने हिलियम वायु भरवामां आवे छे। अने हिलियम वायु हवामां सौथी हलको वायु छे, अने आ हलको होवाथी એ ઉપર જવાની કોશિશ કરે છે। અને ફુગ્ગા મિત્રો ફુગ્ગામાં હિલિયમ વાયુ ભરવામાં આવે છે અને એના કારણે ફુગ્ગા છે એ આકાશમાં ઉપર સુધી જાય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને સમજાઈ ગયું છે, ફુગ્ગાની અંદર જે હવા ભરવામાં આવી છે એ એક પ્રકારની વાયુ અવસ્થા છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો એક બીજી પ્રવૃત્તિ કરીએ। તો કે ત્રણ સિરિંજ લઈએ અને એને હવે એકમાં હવા એટલે કે કાંઈ ભરવાનું નથી, બીજીમાં પાણી અને ત્રીજીમાં ચોકનો ભૂકો નાખીએ। હવે ત્રણેયને વારાફરતી આપણે દબાવવાની કોશિશ કરીએ તો શું થાય છે મિત્રો? તો કે જે શોકવાળી સિરિંજ છે એ દબાતી નથી, પરંતુ પાણીવાળી થોડી દબાય છે। પરંતુ હવે વાત કરીએ જે ખાલી હવાવાળી, તો કે હવા ભરેલી સિરિંજ છે એને દબાવી શકાય છે, ઘણી બધી દબાવી શકાય છે। ટૂંકમાં વાત કરીએ તો વાયુમાં વધુ સંકોચન થઈ શકે છે। કોનાથી વધુ? તો કે ઘન અને પ્રવાહીથી વધુ અવતરણ થઈ શકે છે। અને આ સંકોચનના કારણે જ તે, તમે બીજા ઉદાહરણ જોઈ શકો છો જેમ કે એલપીજી ગેસ છે, સીએનજી ગેસ છે, આ બધા ગેસ છે એ હકીકતમાં તો શું હોય? એક પ્રકારની હવા જ હોય, પરંતુ એનું સંકોચન કરીને ભરવામાં આવે છે અને સરળતાથી એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જઈ શકીએ છીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ઉપરથી તમે વાયુના ગુણધર્મો નીચે મુજબ તારવી શકો। તો કે ભાઈ વાયુ છે એને ચોક્કસ કદ કે આકાર હોતા નથી, વાયુના જે કણો છે એની વચ્ચે ખાલી અવકાશ હોય છે। પ્રવાહી અવસ્થામાં જે કણો વચ્ચે આકર્ષણ બળ હશે એ ખૂબ જ ઓછું હશે, કેવું હશે?
खूबज ओछू आकर्षण बल हशे। कोनी सापेक्ष में? घन अने प्रवाहीनी सापेक्ष में। तमे हवे नीचे जोई पण शको छो, घन प्रवाही अने वायु पदार्थ होय तो एमां कणों कई रीते गोठवायेला होय छे अने कणों में गति कई रीते होय छे। टूंक में वात करिए तो वायुना कणों एक जग्याथी बीजी जग्याए जई शके छे। तो आशा छे के तमने बधुं समजाई गयुं हशे। तो विद्यार्थी मित्रों।